Hey guys, welcome back to another video. So this is Citroen C5 Aircross and I have driven this car almost 200 kilometer and in this video I am sharing my experience. So सबसे पहले शुरुआत करते हैं कार के एक्सटीरियर से, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए. सो दिस इज अ फ्रंट लुक ऑफ Citroen C5 Aircross एंड आप देख सकते हैं कि इसका फ्रंट लुक बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन है. इस कार के इंडियन मार्केट में प्राइस स्टार्ट होते हैं नियर अबाउट 34 लाख, जो कि दिल्ली में ऑन रोड पड़ते हैं 38 लाख. एंड रिसेंटली Citroen C5 Aircross के प्राइस हाइक हुए हैं ऑलमोस्ट 1.40 लाख. So this SUV is all about comfort and stability. ये है Citroen C5 Aircross का सेकेंड रो. सेकेंड रो आप देखेंगे इसका बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है. हेडरूम बहुत अच्छा है, यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा है. 3 पैसेंजर, एडल्ट पैसेंजर बहुत आराम से लंबा ट्रेवल कर सकते हैं. इसके साथ ही फ्रंट में जो सनरूफ दी गई है उसकी जो रोशनी है वो सेकेंड रो में बहुत ही कंफर्टेबली है. सबसे बड़ी बात जो सेकेंड रो की मुझे अच्छी लगी, इसमें 3 इंडिविजुअल सीट्स हैं, बजाय एक सीट होने के 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है. और अगर मैं इस सीट को इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ तो आई कैन पुल दिस स्ट्रिप. मैंने ये स्ट्रिप पुल की है और आप देखेंगे कि ये बंद हो गई है, यानी कि अगर मैंने पीछे की साइड बूट स्पेस में कोई सामान रखा है तो मैं बड़े आराम से यहाँ से अपना स्पेस जो भी है सामान ले सकती हूँ, यूज कर सकती हूँ और इसे वापस से बैक कर सकती हूँ. तो बात करते हैं Citroen C5 के पार्क असिस्ट फीचर की. सबसे पहले आपको यहाँ स्क्रीन पर ये कार का आपको क्लिक दिखाई दे रहा है, यहाँ हमें क्लिक करना है. उसके बाद हमें पार्क असिस्ट पे जाना है. एंटर पैरेलल पार्किंग स्पेस. सामने की साइड हमारे पास 2 गाड़ियां खड़ी हैं और हम इस गाड़ी को वहां पर पार्क करने का सोच रहे हैं. देखते हैं कैसे होती है. पार्क असिस्ट मैंने यहाँ पर किया और मैंने एंटर पैरेलल स्पेस पे किया है. नाउ सेलेक्ट साइड स्विच ऑन. अब मुझे क्या करना है, मुझे इंडिकेटर देना है उस साइड जिस साइड में से पार्क करना चाहती हूँ. इंडिकेटर इज ऑन. नाउ ये क्या कर रहा है, ये मेजरमेंट कर रहा है कि पार्किंग में जहां मैंने इंडिकेटर दिया है जहां मुझे ये पार्क करनी है रिवर्स गियर प्लीज इसकी पार्किंग के लायक है भी या नहीं. मैंने स्टीयरिंग व्हील को छुआ भी नहीं है अभी और ये अपने आप जो है गाड़ी पार्क हो रही है, पैरेलल पार्क हो रही है. नाउ यू कैन सी दिस कैमरा. पीछे गाड़ी जो है वो स्पेस भी दिखा रहा है, साथ के साथ एक आगे गाड़ी खड़ी है पीछे और ये स्टीयरिंग व्हील जो है अपना काम कर रहा है. मैंने स्टीयरिंग व्हील को छुआ भी नहीं है अभी और ये अपने आप जो है गाड़ी पार्क हो रही है, पैरेलल पार्क हो रही है. नाउ यू कैन सी इन दिस कैमरा. पीछे गाड़ी जो है वो स्पेस भी दिखा रहा है, साथ के साथ एक आगे गाड़ी खड़ी है पीछे और ये स्टीयरिंग व्हील जो है अपना काम कर रहा है. You can see the parking. यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी है, एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई थी सामने और बीच में मैं Citroen C5 Aircross को पार्क करने की कोशिश कर रही थी एंड इट वर्क. थोड़ा सा जो है आपको ब्रेकिंग पर कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने ब्रेकिंग पर कंट्रोल कर लिया है तो Citroen C5 ईजिली 2 गाड़ियों के बीच में पैरेलल पार्किंग बड़ी आराम से कर लेती है. अब एक काम करते हैं, अब इस गाड़ी को इस पार्किंग से निकाल के देखते हैं. सबसे पहले सेम हमें यहाँ पे करना है पार्क असिस्ट. अब पार्क असिस्ट में
एग्जिट पार्किंग स्लॉट, मुझे इन दोनों गाड़ियों के बीच से ये गाड़ी निकालनी है, तो मैंने यहाँ पर प्रेस किया है। नाउ अभी ये सेलेक्ट साइड स्विच ऑन डायरेक्ट इंडिकेटर, जिस साइड मुझे जाना है इंडिकेटर प्रेस करना होगा तो मैं राइट का प्रेस कर देती हूँ। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग नाउ। रिवर्स गियर के बाद और इसने फिर से अपना काम करना शुरू कर दिया है। नाउ ऑन ड्राइव सिट्रॉन C5 एग्जिट से पार्किंग से एग्जिट कर रही है। ये रोक दो, तो ये है सिट्रॉन C5 का केबिन। इसके केबिन में आपको एकदम प्रीमियम फील मिलता है। सेंटर में आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसके साथ आपको कुछ बटन्स दिए गए हैं, उसके साथ ही यहाँ पे एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट है, यहाँ पे 12V चार्जिंग सॉकेट है। और अगर मैं ड्राइव मोड्स में को चेंज करना चाहती हूँ, इको स्पोर्ट्स, दिस इज ड्राइविंग मोड्स, और यहाँ से जो सिट्रॉन C5 के क्रॉस में मोड्स मिलते हैं वो मैं चेंज कर सकती हूँ, सन सैंड एंड मड। एंड अगर मुझे ऑफ करना है तो मैं ऑफ कर सकती हूँ। एंड नाउ ये नॉर्मल मोड पे, अभी ये पार्किंग पे है, लेकिन मुझे उसके लिए यहाँ पे प्रेस करना होगा। प्रेस करके मैं इसे चेंज कर सकती हूँ। सबसे पहले मुझे पार्किंग का यहाँ पे बटन है वो हटाना होगा, मैंने पार्किंग का बटन हटाया। नाउ ड्राइव न्यूट्रल रियर एंड पार्किंग। पार्किंग ये अपने आप से नहीं होता है, पार्किंग के लिए आपको यहाँ पे पार्किंग बटन प्रेस करना होता है। बहुत ही स्टाइलिश है और बहुत अच्छी तरह से ओपन होता है। ओपन होने के बाद आप इसमें देखेंगे काफी अच्छा स्पेस है। एक छोटी ट्रे भी दी गई है, दिस इज वेरी यूजफुल। अगर आप लंबे सफर पे जा रहे हैं तो कुछ भी कोल्ड ड्रिंक या पानी की बॉटल वगैरह इसमें रख सकते हैं। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट सिट्रॉन C5 एयर क्रॉस। If you have any question about this car, do let me know in the comment section. Thank you so much for watching this video. Citroen C5 Aircross में 2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन मिलता है जो 177 HP की पावर 400 Nm पर टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ गियरबॉक्स में 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है पैडल शिफ्टर्स के साथ। So in terms of everything, Citroen C5 Aircross is a full-size premium SUV. If you are looking for a full-size SUV in India market, you can go with Citroen.